द नॉलेज लाइब्रेरी डेली करंट अफेयर्स न्यूज हेडलाइंस 21 नवंबर 2024 बृहस्पतिवार। दैनिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेशनल अपडेट्स: राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की आपूर्ति के लिए नासिक से कांदा एक्सप्रेस 1336 टन प्याज लेकर दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुंची। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1,76,00,000 से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा के चौथे चरण में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे ग्याना और बारबाडोस। इंटरनेशनल अपडेट्स: यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमले की आशंका के चलते अमेरिकी दूतावास को बंद कर दिया गया है। एशियाई विकास बैंक ने श्रीलंका के लिए $200 मिलियन के पॉलिसी आधारित ऋण की मंजूरी दी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के नए परमाणु सिद्धांत के आदेश पर हस्ताक्षर किए। स्पोर्ट्स अपडेट: बैडमिंटन पीवी सिंधु और मालविका बंसोड ने चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट में जीत के साथ की अपनी अभियान की शुरुआत। टेनिस: डेविस कप फाइनल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में बोटिक वनडे जेंडरशिप ने राफेल नडाल को हराया। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।